पकड़ी। दूसरे पातशाह गुरु अंगद देव जी जारत कर मुल्तान दी, फिर करतारपुरे नू आया। गुरु पातशाह यात्रा करके करतारपुर दी, जिवें उन्होंने दुध कटोरा भर ले आई अगों, तो पातशाह ने बाबे कढ़ कर बगल ते चंबेली दुध विच मिलाई। मैं तुहाडे विच रहन नहीं आया जिवें चंबेली नू दुध नाल गिली नहीं होई, मैं तुहाडे च रहन नहीं आया जिवें सागर विच गंग समाई, जिवें गंग बड़ी पवित्र हिंदू मंदा है ते ओह पर खारे सागर विच मिल जांदी है, पर कोई इतराज नहीं करती कि मैं गंदे पानी गंदे सागर विच मिल गई हाँ, मैं बड़ी पवित्र सी, तो भावें तुहाडे कोल कुछ नहीं, मैं तुहाडे विच रहन नहीं आया, मैं तुहानू कुछ दसण आया, कोई रब की गल दसण आया, इसलिए तो जारत कर मुल्तान दी, उत्थे भी सारे चरनी लग गए, मत्था टेकया सारे ने। तो जारत हुंदी यात्रा, यात्रा करके मुल्तान दी, फिर करतारपुरे नू आया। बाबा जी करतारपुर आ गए, चढ़े सवाई देह देह, कलयुग नाम कलयुग नानक नाम ते आया, तो उन्हां दी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हुई, चढ़े सवाई देह देह, तो उन्हां दी बड़ी हुण सतगुरु की महिमा दिनों दिन वध गई वध रही सी, ते कलयुग विच गुरु नानक ने दुनिया के लोगों नू नाम जपाया, वाहिगुरु नाम जपाया, ध्याया सारिया नू नाम नाल जोड़िया वाहिगुरु ने। क्यों उस तो पहला समा दस बैठे भाई गुरदास जी, बड़ा समा गंदा सी, बहुत कुप हनेरा धुंद धुंद छाई हुई सी, किसी नू कक्ष पता ही नहीं सी, विना में होर मंगना सिर दुखां दे दुख सुभाया। ये अगे जाके गल समझ आउंदी आ थोड़े चिर बाद, भी जे नाम तो बगैर वाहिगुरु तो कुछ मंगीए ना, जिवें दुनियावी कोई चीज़, एक पासे वाहिगुरु कहिंदा मंगना, मान मांगू तान मांगू धन लक्ष्मी सुत दे, ये है पहली क्लास, दूजी क्लास, प्रायमरी क्लास। हौली हौली इहदे नाल आपां नाम दी दात मंगदे हां, वाहिगुरु अमृत वेला बख्श, सिमरन बख्श, ये है दसवीं ते बारहवीं क्लास। नाल नाल दुनियावी चीज़ां, कोठी दे दे बाबा, एक चंगी कार दे दे, चंगी वोटी दे दे, चंगी नूँह दे दे, इहदे नाल नाल आपां मंगदे रहिंदे हां, यह है बी ए दी क्लास। जदों निरोल बंदे नूं हौली हौली समझ आ जांदी है कि रिद्ध सिद्ध नामे दी दासी, जे मैं सिर्फ नाम जपदा तां मैं तां गुरु नानक वर्गा ही हो जाणा सी, ते गुरु नानक वर्गा हो जाणा सी तां फिर मैनूं इह दुनियावी गल्लां तां मंगण दी लोड़ ही नहीं सी, मैं तां आप ही वाहिगुरु सी। पर यह गल एक दिन च नहीं समझ आउंदी, तद ये बाबा जी ने मंगण नूं ना नहीं कीती। तुसीं वार पढ़ो ध्यान नाल, उहदे विच लिखा है मंग लै जे मंगणा, वाहिगुरू एक कार दे दे, कोठी दे दे, देती उहने दे देणी आ, होर मंग लै, वाहिगुरू एक नूंह चंगी दे दे, बच्चा दे दे, पुत्र दे दे, माया दे दे, धन दे दे, लक्ष्मी दे दे, देती मान दे दे, तान दे दे, देता। हुण वाहिगुरू आपे ही कहिंदा हुण की मंगेगा, जे मेरे नाल जुड़िया होया तो सारिया दुनियावी गल्लां उहनूं मैं दे देणियां, हुण की मंगेगा, हुण नाम मंगेगा जो कि हीरियां दा हार आ, मैं उह वी दे देणा। मतलब वाहिगुरु ना नहीं करता, वाहिगुरु की गल एक है, जे तू मेरे को दुनियावी चीजा ना भी मंगता, सिर्फ नाम की दात मंग लेंदा, उहदे नाल तू गुरु नानक बन जाना सी, गुरु नानक बन गया तो वाहिगुरु बन गया, वाहिगुरु बन गया तो ये चीजा दुनियावी चीजा आटोमैटिक तेरे को आ जानियां सन। दुनियावी चीज कोई मंग लै, भावें वोल्वो मंग लै, गड्डी कोठी महल वर्गी मंग लै, ये सिर दुखां दे दुखी आ, इन्हें नाल नहीं जाना, यह तैनू दुख दूगी। तो इस पर गल एक दिन च नहीं समझ आती, प्रायमरी पास करनी पेगी, ये तो पी एच डी की क्लास आ, उत्थे जाके जिवें मैं तुहानू अगे भी दस्या, छोटे छेवीं च पढ़ते सी, सत्तवीं च अठवीं च मास्टर जी आए, लाइट ट्रैवल इन स्टेट लाइन, गत्ते लाए, मोरियां कीतियां, मोमबत्ती जगाई, देखो काका जी, हाँ देखे, जब गत्ता एनू कीता लाइट दिसदी नहीं सी, तो लाइट ट्रैवल इन स्टेट लाइन, ठीक है, हाँ लाइट ट्रैवल इन वेव, कल चले गए। सो ये हुण जे आपां नूं छेवीं जी दसदा लाइट ट्रैवल इन वेव्स, गल समझ नहीं सी आउणी, गल समझ नहीं सी आउणी, वह छेवीं अठवीं नौवीं दसवीं तक लाइट ट्रैवल इन स्टेट लाइन ही गल समझ आई। सो ये इस तरह ही गुरु साहब मंग लै, पुत्र मैं बादशाह का बादशाह, पातशाह का पातशाह, मैं सारी सृष्टि बनाई, नौ निधियां रिधियां सिद्धियां सारियां मैं बनाइया, मंग लै जो मंगना ही मंग लै।
मंग लै जो मांगे ठाकर अपने तो सोई सोई देवे पिता कृपाल आ गया दीनी बारक मुख मांगे सो देना मंग लै। तो असी दुनिया भी जी बड़ी लोड़ समझते हैं शरीर है ना भाई शरीर नू लोड़ भी है जान आउन कार चाहिए रह नू कोठी चाहिए परिवार विच नू चंगी वोटी चंगी बच्चे चंगे सब कुछ चंगा चाहिए मंग लै हुण की मंगेगा मैं लखा रुपया चाहिए देवता हुण मंग लै की मंगेगा लखा रुपया भी सुवा आ ये पर एक दिन च नहीं गल समझ आनी ये अगे जा के जो जुड़े रहेंगे बाणी नाल उदों समझ आएगी। जे मैं शुरू तो ही नाम मंग लैंदा मैं गुरु नानक बन जाना सी मैं वाहिगुरू बन जाना सी ये तो गल्लां मामूली सन ये तो सवाह आ दुखां दे दुख मैं तो सब कुछ आटोमैटिक मिल जाना सी ये हुण एक दिन च गल किवें समझ आ। सो ये है बिना में होर मंगना सिर दुखां दे दुख सुभाया नाम तो बगैर कोई चीज़ होर मंगनी दुखां दा दुख ही भाई कार कल टुटी हुई एक्सीडेंट हो गया ही कोई टायर फट गया ही कोई इंजन खराब हो गया ही उत्थे लगे रहो। सो मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया मारिया सिक्का जगत विच फिर भाई की होया तो इस तरह गुरु नानक पातशाह ने जगत विच ऐसा सिक्का मारिया ऐसी लहर चलाई एक निर्मल सुच्चा सच्चा हमें तो रहत हमें दी मैल तो बगैर पंथ सिख धर्म चला दित सिख मैंने केसा वाला सिख नहीं सिख मैंने सिख्या लैन वाला जिन्होंने सिख्या ली तो खालसा पंथ कहना चाहिए खालसा पंथ चलाता प्योर प्योर पंथ चलाता हुण की होया अगे जाके पंथ चला के थापिया लैना जीव दे गुरियाई सिर छतर फिराया थापिया लैना जीव दे फिर अपने ज्यों दे जी ही लैणा जी नूं गुरु अंगद देव जी बना के गद्दी पर बिठा के उन्हां दे सिर उपर गुरता दा छत्तर चुला दिता आप ही चलिया आप ही पातशाह ने गद्दी दित्ती आप मत्था टेकिया आप ही गद्दी दित्ती तां के सारे देखण वी गुरु नानक ने भी गुरु अंगद देव जी नूं मत्था टेकिया ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਛੱਤਰ ਚੁਲਾਇਆ ਗੱਦੀ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਚੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਲੈਣੇ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੋ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਵਟਾਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋਤੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੜਬੜ ਹੈ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਕਿਹਦੀ ਮਿਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜੋਤ ਸੀ ਉਹ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਆਪਿਆ ਦੇਖੋ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਦੇਖੋ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਲਾਇਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਵਟਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਵਟਾਇਆ ਸਿਰਫ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਉਹ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ 'ਚ ਆ ਗਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਈ ਤੋ ਲੱਖ ਨਾ ਸਕੇ ਲਿਖਿਆ ਲੱਖ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਲੱਖ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੀ ਆਚਰਜੇ ਆਚਰਜ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹ ਬੜੀ ਆਚਰਜਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਝਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਮਤਲਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਦੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਲੱਖ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਇਕ ਹੈ ਗੱਲ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋਤ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੁਲ ਚੜ ਗਏ ਇਹ ਹੈ ਆਚਰਜੇ ਆਚਰਜ ਦਿਖਾਇਆ ਆਚਰਜੇ ਆਚਰਜ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਭਾਈ ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਐਸਾ ਆਸ਼ਚਰਜਤਾ ਭਰਿਆ ਆਸ਼ਚਰਜ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਇਹ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸਮਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਸਮ ਕੌਣ ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਮੋਇਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਕਿਤੇ ਗਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ 'ਚ ਆ ਗਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋਤ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੀ ਗਈ ਸੋ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਦੇਖਿਆ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਪਲਟਿਆ ਸਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕੁਹਾਇਆ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕੁਹਾਏ ਆ
तो अपना शरीर बदल के नवे स्वरूप गुरु अंगद देव जी बना लिया। बस नवा स्वरूप ही आया, जोत नहीं बदली, जोत नहीं बदली। पौड़ी 46 तीजे सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी। सो टिक्का सो छत्र सिर, सोई सच्चा तख्त टिकाई, गुरु नानक हंदी मोहर हाथ, गुरु अंगद दी दोही फिराई, दिता छोड़ करतारपुर बैठ खडूरे जोत जगाई, जम्मे पुरब बीजिया विच विच होर कूड़ी चतराई, लैने पाई नानक तो देनी अरदास घरे आई, अमर देनी अमरदास घरे आई। वो गद्दी लै के मतलब गुर बैठा अमर स्वरूप होए गुरमुख, पाई दाद इलाही फेर वसाया गोइंदवाल, अचरज खेल ना लख्या जाई, दात जोत खसमे वड्याई, दात जोत खसमे वड्याई। बड़ी एक गुरु साहब दी बड़ी वड्डी खेड है, बहुत देखो पातशाह ने गद्दी दे दी है हुण तो किसी नू अंतरा तां तदों ही प्रतीत हुंदा है जेकर उस विच परस्पर कोई मतभेद हुंदा, पर वो तो सगों इउं ही नज़र आ रहा सी कि उही टिक्का तिलक ते उही सिर ते छत्र सी ते उही सच्चा तख्त गुरता दा सी, सब कुछ मतलब ओहो ही सी, कुछ चेंज नहीं कीता। तो गुरु अंगद देव जी दा ओही जलाल प्रकाश, ओही बाबे नानक वाला छत्र, ओही सच्चा तख्त सिंघासन ते विराजमान होए बैठे टिक गए। सो बाबा आप ही सी, जदों आप ही सी तो फिर सब कुछ बदल के मिल सकता है, सब कुछ वही सी, वही टिक्का, टिक्का सेरा, टिक्का प्रकाश, टिक्का जलाल, उन्हों का वही जलाल सी जो गुरु नानक दी हंदी मोर हथ, गुरु अंगद दी दोही फराई, गुरु अंगद देव जी दी दुहाई फिर गई, ढंडोरा फिर गया कि अगे तो गुरु बने, क्योंकि गुरु अंगद देव जी दे हाथ विच उही गुरु नानक देव जी वाली शक्ति दी मोहर सी, उही जोत उही सी, जोत उही सी, जो दिता छोड़ करतार पर बैठ खडूरे जोत जगाई। तो गुरु अंगद देव जी ने करतारपुर छड़ दिता ते खडूर साहब विच बैठ के रब दी जोत बाबे नानक दी जोत निरंकारी जोत दा प्रकाश कीता। जम्मे पूरब बीजिया विच विच होर कूड़ी चतराई, ओही फल जमदा है जो पहला बीजिया होवे, से होर विच विच सियाणपां ते चतराइयां झूठियां हन। सो बाबे नानक तो गद्दी गुरु अंगद देव जी नूं ने लई ते गुरु अंगद देव जी तो गुरु अमरदास जी ने लई, ते विचों दियां सियाणपां श्री चंद लक्ष्मी दास दातू जी दासू जी गद्दी ना लै सके। होर कूड़ी चतराई ते लैणे पाई नानकों देई अमरदास घरे आई। तो भाई लहणे जी ने गुरु नानक देव जी तो गद्दी पाई, तो हुण गुरु अंगद देव जी ने गुरु अमरदास जी दे घर गुरगद्दी देनी पई, उही बाबे नानक वाली निरंकारी जोत गुरु अमरदास जी ने बख्श दिती। गुर बैठा अमर स्वरूप होए गुरमुख, पाई दात इलाही, तो हुण गुरु अमरदास जी वाहिगुरु दे स्वरूप गुरु नानक दी गद्दी ते गुरु बन के बैठ के, तो अमरदास जी गुरु वाले बन के गुरु अंगद देव जी तो इलाही दात प्राप्त कर ली, इलाही। फिर वसाया गोइंदवाल, अचरज खेल न लख्या जाई, तो फिर गोइंदवाल वसाया, ये खेड अचरज ही सी,
ਜੋ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਦਾਤ ਜੋਤ ਖਸਮੇ ਵਡਿਆਈ, ਤੋ ਜੋਤ ਦੀ ਦਾਤ 'ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਸੀ ਹੈ। ਜੋਤ ਅਤੇ ਦਾਤ ਸਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਤੋ ਦਿੱਤੇ ਪੂਰਬ ਦੇਵਨਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਸਤ ਤਿਸੇ ਘਰੇ ਆਈ। ਤੋ ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਗੱਦੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੋ ਇਹ ਗੱਦੀ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਦੇਣੀ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੋ 150 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਡ ਹੁਣ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਰਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਰਤੀ ਦੀ। ਇਹ ਖੇਡ ਤਾਂ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਆਦ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆਦ ਸਨ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਧਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲਯੁਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਤਯੁਗ ਆਊ, ਫਿਰ ਤ੍ਰੇਤਾ ਆਊ, ਫਿਰ ਦੁਆਪਰ ਆਊ, ਫਿਰ ਕਲਯੁਗ ਆਊ ਦੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਖੇਡ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੱਲੂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਆਊ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਅੱਜ ਫਨਾ ਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਦ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਆਦ ਆ, ਇਹ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਆਦ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਦ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਮੜ ਖਪ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਚਿਰ। ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਚਾਰ ਯੁੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਫਨਾਹ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਚਾਰ ਯੁੱਗਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਫਨਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਜਗ ਛੋਟੀ ਖੇਡ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰ ਖਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਰ ਖਪ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮਰ ਖਪ, ਧਰਤੀ ਗਰਕ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਜੰਮਦੀ, ਫਿਰ ਮਰਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਖੇਡ ਆ। ਤੋ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਘੇਰ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਆਦੀ ਹੈ, ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤੋ ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸੋਢੀ ਸਨ। ਤੋ ਪੂਰਨ ਤਾਲ ਖਟਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੇ। ਤੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਰੋਵਰ ਪਟਵਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੱਬੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੋੜ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਜੋਤ। ਉਲਟਾ ਖੇਲ ਖਸਮ ਦਾ, ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਸਮੁੰਦਰ ਸਮਾਵੇ। ਤੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖੇਰ ਉਲਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੰਗਾ ਸੇਵਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿੱਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਪ੍ਰਤੱਖ। ਤੋ ਦਿੱਤਾ ਲਈਏ ਆਪਣਾ, ਅੰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਛ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ। ਭਾਈ ਹੱਥੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਈਦਾ, ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਕਿਛ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੋ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੋ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਲਟਾ ਗਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਆਈ ਘਰ ਅਰਜਨੇ, ਪੁੱਤ ਸੰਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਗੱਦੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪੁੱਤਰ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਣ ਗਏ। ਤੋ ਜਾਨ ਨਾ ਦੇਸਾਂ ਸੋਢੀਆਂ, ਹੋਰ ਅਸ ਅਜਰ ਨਾ ਜਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਪੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੱਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਆ, ਜਾਨ ਨਾ ਦੇਸਾਂ ਸੋਢੀਆਂ।
होर अजर अजर न जरिया जावे, होर अजर न जरिया जावे तो गल ठीक है भी गुरु ही इस वड्डी खेड नू दुनिया के भार नू लै सकदे आ, आम बंदा नहीं लै सकदा। पर जे आपां इहदे नाल बीबी भानी ला दईए तो बीबी भानी कोल कोई पावर नहीं कि गद्दी विच दखल अंदाजी दे सके ना। यह गुरुआं दी गद्दी धुरों मिथी हुई आ, धुरों मिथी हुई आ। सो गुरु बनना सारी सृष्टि का भार लैना, शहीदियां पाउणियां, पुत्रां नूं मारना, नीहां विच चिनाउणा, तो लड़ाइयां करनियां, अजर खेड है। अजर बहुत औखा है, तो गद्दी उहनूं ही मिलनी है जिहड़ा जर सके। पर यह खेड तां धुरों ही लिखी आ रही है, तो जिस विच गुरु नानक जोत आ गई उही वाहिगुरू है, उही जर सकदा है, उही अंतरजामी हो जांदा है। तो जान ना दे सो सोडियों कौन आख रहा है नहीं, मैं ये नहीं कहता, मैं कहना भी इतिहास कहता बीबी भानी आख रही। बीबी भानी कोल की अख्तियार सी कि गुरु की गद्दी विच दखलंदाजी करे? नोबडी गॉट नो राइट टू इंटरफेयर। नरोल वाहिगुरु की निजी खेड है, फिर ये भविखबाणी है। तो थोड़ी बहुत लाइन बदली लगती है, जां मैनू नहीं समझ आ रही तो सीधी गल कह लो कि मेरे दिमाग में असलियत आ नहीं रही। की गल है, जोत आउण तो बगैर बंदा सिर्फ शरीर है। तो एडी उच्ची वह भी गुरु गद्दी, वह भी वाहगुरु की गद्दी, गुरु गद्दी वाहगुरु की गद्दी बारे कोई भी कुछ नहीं आखदा। तो सोटी परिवार विचों हुणे गुरगद्दी बाहर नहीं जानी, क्यों कि होर किसे कोल ये अजर जरिया नहीं जाना। तो गुरु कसवटी ते लाइन पूरी नहीं उतरती, गूंगे बोले नूं बुलवा सकती है। तो गुरु नानक की जोत उसका सोढ़ी जात नाल कोई वास्ता नहीं, जोत वाहिगुरु है, प्रकाश है। सो ठीक अर्थ मिल गया तो फिर दसांगा, मिलिया नहीं अजे, लिख देंगा। लाइन खाली छड़ दे, जान ना देसो सोढ़ियों होर स अजर ना जरिया जावे। मेरा मतलब भाई गुरदास ने किवें लिख दिती है लाइन, सो आपां नूं समझ नहीं आ रही भाई, अपनी भी अकल बहुत थोड़ी आ, पर आपां नूं थोड़ी बहुती रब की गल समझ आउंदी आ, गुरु नानक की गल समझ आउंदी आ। बाणी हुण समझ आ गई 40 साल बाद, इहदे विच कोई दखलंदाजी नहीं दे सकदी, तुर रही आ। सो घर की वथ घरे कहावे नहीं है, घर की गड्डी नहीं हैगी, इह घर की कोई चीज़ नहीं हैगी, इहदे ते लिखिआ है। सो घर नाले दा इस गद्दी दा है ना, इह गद्दी घर की अपनी ही नहीं भाई, वाहिगुरू की है। सो वाहिगुरू की किसी एक घर नाल संबंध नहीं पाई है। सो घर की चीज़ गद्दी हुण घर विच ही रहेगी, ये हक जमाउण वाली गल नहीं। कोई प्यार भावना, सेवा भावना, निम्रता, इकसारता, सांझीवालता, सद्भावना, काल कमाई की लोड़ नहीं कि है। सो इतने घर वाली इतने कोई गल नहीं कि घर की बात करे नहीं, घर वाली गद्दी, घर की गद्दी नहीं, घर की गद्दी होंगी तो दे देनी सी श्री चंद नूं, घर की गद्दी होंगी तो दे देनी सी दातू जी नूं, घर की गद्दी होंगी तो फिर दे देनी सी उन्हूं बाबा मोहन जी नूं, घर की गद्दी नहीं हैगी भाई। तो छेवें सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी, तो पंज प्याले पंज पीर, छठम पीर बैठा गुर भारी, पंज प्याले पंज पीर प्याला अमृत। लफज प्याले भी है, भाव सचखंड चले गए, प्याले प्यानी एक विच में प्यानी पढ़िया, तो लफज प्यानी भी है, भाव सचखंड चले गए। तो लिखन में थोड़ा जहा फर्क पै जाता है। तो पंजा ने पंजा गुरुआं ने अमृत का प्रचार किया, पंज प्याले पंज पीर पंज गुरु। सो पंजा ने पीर बोली, पंजा ने पंजा गुरुआं ने अमृत का प्रचार किया, अमृत वंडिया। पंज प्याले पंज पीर पंज गुरु पंज प्याले, छठम पीर बैठा तो पंज पीर पंजे पातशाहियां, पंज प्याले तो सत संतोख दया धर्म धीरज सतोगुणी दैवी गुण वंडे, अमृत वंडिया। हुण छेवां गुरु जोधा, गुरु गुरु नानक दी गद्दी ते बैठा, छठम पीर बैठा गुर भारी। तो अर्जन देखो, अर्जन काया पलट के, अर्जन तो गुरु रामदास ने काया पलटी, गुरु अमरदास जी ने काया पलटी, काया जोत नहीं ना लिया,
ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਅਰਜਨ ਅਰਜਨ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਕਾਇਆ ਪਲਟੀ, ਜੋਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਬਦਲਿਆ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਬਸ ਸ਼ਕਲ ਚਿਹਰਾ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ, ਸੂਰਤ ਬਦਲ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਹੀ ਬਦਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਸੀ। ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ, ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਚੱਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੋਢੀਆਂ, ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਜੋ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਪਰਪਕਾਰੀ, ਤੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਹਾਦਰ ਜੋਧਾ, ਤੋ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦਲਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਜੋਧਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰਪਕਾਰੀ ਵੀ। ਅਤੇ ਪੁੱਛਣ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਛੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ ਨਿਹਾਰੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਛੇ ਗੁਰੂ ਮਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ, ਮੁੱਖੋਂ ਤੇ ਸੁਣੋ ਸੰਸਾਰੀ। ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕੋ ਸੁਣੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਕਲਯੁਗ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੋਢੀਆਂ ਨੇ ਚਲ ਨੀਬ ਉਸਾਰ ਖਿਲਾਰੀ। ਸੋ ਭਾਈ, ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸੋਢੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੀ ਨੀਂਹ ਅਟਲ ਉਸਾਰ ਕੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੁੱਗ ਯੁੱਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧਰੇ ਅਵਤਾਰੀ, ਯੁੱਗ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਧਰਨਗੇ। ਚਾਰ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁੱਗ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਯੁੱਗ ਬਦਲਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਯੁੱਗ ਬਦਲਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗੋਭਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਤੋ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੜਬੜ ਕਿਤੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿਤੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਕੌਣ ਕਹੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮੋਇਓ, ਦੇਵਪੁਰੀ ਮੈਂ ਗਇਓ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਇਓ, ਹਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦਿਓ ਹਰ ਹਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਹਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦਿਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੈਂ ਬਿਠਾਇਓ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆ, ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਸਕਾ ਨਾਉ। ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਸੁਰਤੀ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੈਠਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜਲੇਬੀ ਵਰਗੀ ਸਿੱਧੀ ਬਾਣੀ ਮੈਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣੇ ਹਮ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਿਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਰਤਾ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਥੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਇਹ ਆਏ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾਓ ਜਿਹਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਲਿਆਓ ਦਿਖਾਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਿਖਾਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਧਰਮ ਬਦਲੀਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਜੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿਖਾਓ ਦਿਖਾਓ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਉਣੰਜਵਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਠੀਕ ਵੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਤ ਯੁਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਸਦੇਵ ਵਹੁਆ ਵਿਸ਼ਨਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਵਾਸਦੇਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਾਸਦੇਵ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤੋ ਸਤਯੁਗ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਸਦੇਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਹੁਆ ਲਿਆ ਉਹ ਵਾਸਦੇਵ ਤੋਂ ਲਿਆ,
देखो ना सतयुग सतगुरु वासुदेव वउआ पहला अखर वउआ वउआ विष्णा नाम जपावे तो कोई नहीं आप करते जाने नाल नाल तो सतयुग विच सतगुरु वासुदेव गुरु नानक ने अवतार बनाया सतगुरु नानक देव है परमेश्वर सोई तो वउआ अखर विष्णु का नाम जपन लगे वउआ चलो अगे चलो द्वापर सतगुरु हरि कृष्ण हाहा हर हर नाम ते आवे तो द्वापर सतगुरु नानक जी हरि ने कृष्ण नू अवतार बनाया चलो हाहा अखर लोग हरि हरि जपन लगे हाहा उतो ले लिया त्रेते सतगुर राम जी रारा राम जपे सुख पावे तो त्रेते विच सतगुरु नानक जी ने राम जी नू प्रदान किया ते रारा अखर राम राम जपदा सी सुख पाउंदा सी कलयुग नानक गुरु गोबिंद गग्गा गोबिंद नाम लावे तो कलयुग विच गुरु गोबिंद गग्गा गोबिंद नाम उचार दे तो चारे जागे चौं जुगी पंचायन विच जाए समावे सो चारे जुग जागे चौं जुगां विच पहला सुते पै सी तो ये सारे पंचायन विच जाके समा गए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच समा गए सो चारो अखर एक कर वाहेगुरु जप मंत्र जपावे सो चारे अखर एक करके वाहेगुरु जपन लई मंत्र सुनाता वाहेगुरु तो जहां ते उपजया फिर तहां समावे फिर जिथों पैदा होया फिर उत्थे ही समा जाएगा देखो ये गल बिल्कुल ठीक है चारो अखर एक कर ये भी अखर ठीक है कि वाहेगुरु जप मंत्र जपावे ये भी ठीक है तो हुण ये पौड़ी ध्यान नाल सुनो तो असी वासुदेव राम कृष्ण नू मनदे ही नहीं फिर ध्यान नाल पढ़ो भाई गुरदास जी नहीं मनदे फिर गुरु नहीं हन हिंदुओं के खिडौने की तरह अवतार हन तो सिखी का इन्हां नाल कोई संबंध नहीं दूजा पक्ष गुरु बाबा नानक आदि है आदि वाहिगुरु है आदि वाहिगुरु मंत्र है आ तो ही जपया जा रहा है सो एक होर पक्ष ध्यान नाल देखो भाई गुरदास जी छेवें पातशाह वेले गुरपुरी सचखंड चले गए सन सो पौड़ी विच दसवें पातशाह का नाम कित्थों आ गया होर देखो गुरु नानक सारी सृष्टि का करता है तो उसका ना ही नहीं कितने भी उसका ना ही नहीं कितने भी कलयुग नानक गुरु गोबिंद गग्गा गोबिंद नाम लावे तो कृष्ण का नाम ही वासुदेव है तो सतयुग विच सतगुरु वासुदेव ना सुनिया ना पढ़िया पौड़ी विच दस्या सिख एक मूर्ख कौम है हाँ इन्होंने गुरमंत्र ही हिंदुओं के देवत्या तो लिया तो आप गुरमंत्र ही नहीं बना सके जो कि आदि है हिंदू यहोजे कार्य करता ही रहिंदा ये उसका काम है सारी बाणी कहिंदा है वेदा शास्त्रां चो लई गई है दयानंद गुरु नानक बाबे सिरजनहार करते नू अनपढ़ आखदा सी बिल्कुल उन्हें कहा अनपढ़ हिंदू आप ना पता नहीं आप इंसानियत तो गिर चुका है सानू गिरा चाहता है 90% भाई सिखी गिर गई हिंदू के कहते विकारी हो गई पतत हो गई निशई हो गई रह की गया अमर छकन नू कोई तैयार नहीं कोर कलयुग है तो शायद ही कोई बचे वाहेगुरु मेहर करे इंसानियत जींदी रहे वाहेगुरु कृपा करे भाई सो ये बहुत ध्यान नाल पौड़ी पढ़न वाली है देखो उन्होंने मलाई भी कदों अखीरली ये वार की अखीरली पौड़ी आ पहली वार की अखीरली पौड़ी क्योंकि पहला जो मिला देंदे थोड़ा बहुत मिला सकते सन पर उन्होंने अखीर ते पा दिती अच्छा चलो मेरा एक पक्ष होर सी मैं किसी नाल बहस भी पिया सी उन्हें भी यही किया कि वासुदेव तो वाह वाह लिया हा हा हरी तो लिया चलो मैं क्या ठीक है गग्गा गोबिंद तो लिया रारा राम तो लिए तो गोबिंद तो कलयुग विच होया तो राम त्रेते च होया फिर राम पहला ले लेना सी ना फिर राम रारा राम तो लिया तो फिर चौथा अखर क्यों तीजा अखर होना चाहिए सी है ना दूजा होना चाहिए सी हाँ दूजा हरी तो ले लिया भाई कई गल्ला मैं तो दसन लगा चलो असी ले लिया चलो मान लेने
हिंदुओं तो ले लिया, चलो मान लें वो जिमें वो लिखते हैं टकसाली के हनुमान का कशहरा, चलो असं मान लें टकसालियां तो खैर चलो छोड़ो आप इस पक्ष से नहीं जाते, आप इस पक्ष से जाने असं हनुमान का कशहरा मान लें फिर हिंदू भी पाउन, असं ये मान लें मंत्र वासुदेव तो वाह वाह लिया, हा हा हरी तो लिया, गगा गोबिंद तो लिया, तो रारा राम तो लिया, मान लो तो चारे हिंदुओं के ना आ ठीक, तो फिर तुम जपो हिंदू भी जपन, फिर हिंदू भी जपन वाहेगुरु, हिंदू ना नफरत आ, फिर अपनी गल लिख के आप ही तो मनते नहीं, फिर हिंदू भी जपन, हिंदू जपता नहीं, हिंदू नू नफरत आ। सो एक बड़ा आया बिच इन्होंने दिता हवाला भी कित्थे कित्थे ना आया, देखो वेद कतेब गोचरा गुरसिख शब्द साध सिंह सता, साध संघ सता, वेद कतेब गोचरा वाहेगुरु गुरु शब्द सुनाया, देखिया वेद कतेबो बाहरा अकथ कथा गुरु शब्द सुनाया, वेद कतेबो बाहरा गुरु शब्द हजूरा, वेद न जाने भेद क्यों शेष आ ना पाए, वाहेगुरु सलाह ना गुरु शब्द लाए, तो वेद कतेबो बाहरा अकथ कहानी कथी न जाई, वाहेगुरु गुरु शब्द सुनाया, वाहेगुरु गुरु शब्द लै पिरम प्याला चुप चबोला, वाहेगुरु वड्डी वड्याई, वाहेगुरु गुरमंत्र है जप होमे कोई। बड़ा कुछ लिखा है साडे गुरुआं नूं, मतलब मंत्र ही नहीं आया साडा, उन्हें सारे वेद कट्ठे करके विचों ले लिया, साडे गुरुआं नूं मंत्र ही नहीं आया वाहेगुरु वाहेगुरु, किसी नूं नहीं समझ कि गुरु नानक वाहेगुरु सी, उन्हें किसी की लोड़ नहीं सी ना वेदां दी ना शास्त्रां दी। मैनूं एक मुसलमान मिलिया अपनी गद्दी ते बैठा दी मुसलमानां दे विच ही, तो कहन लगा भी यह जो तुहाडा गुरु ग्रंथ लिखा है ना वो साडे ही पुस्तकों तो लिखा है, मेरा तो दिल कहता मारा है एक, पर इदा ही किसी ने थोड़ा पता है कि आप श्री गुरु ग्रंथ साहब जी आप प्रचार किया नहीं। वार दूजी एक ओंकार सत गुरप्रसाद पौड़ी पहली, अपने घर हथ आरसी आपे ही देख, आरसी हुंदा है शीशा, प्रभु सर्वव्यापक दे हाथ विच ही अपने रचे संसार दा शीशा है, रचे संसार दा शीशा है, आप ही ओ उसनू वेखण वाला है संभालण वाला है, आपे देख दिखाइंदा छे दर्शन भिख है, आप ही ओ छे दर्शना धर्मां दे भेखां नू देखदा है, धर्मां दे लोकां नू दिखाउंदा है, तो जे हाँ मूँह कर भालदा तब यह लेख है। सो यो ही कारण है कि जिहो जिहा संसार विच कोई मूँह करके भाव हिरदे की धारना धार के उसनू देखदा है, वह जिहा ही लेखे भाव नजरी पैंदा है, तो हसदे हसदा देखिए जो रूप सुरेख है, तो हसदे नू हसदा ही नज़र आउंदा भाई, हसदे नू जो सो रूप सुरेख है वही दिखता भाई, तो रोंदे नू रोंदा भाई, रोंदे दिसदे रोमदा होए निमख नमेखा, तो रोंदे नू रोंदा प्रतीत हुंदा है, भाव शीशे विच जिहो जिहा दृश आवे उह जिहा ही दिसदा भाई। सो आपे आप वरतदा सतसंग वसेखा, वह प्रभु आप ही आपे वरत रहा है, तो उसकी विशेषता खूबी सत्संग विच जाके देखी जा सकती, सत्संग विच जो जंतरी हथ जंतर ले सब राग बजाए, आपे सुन सुन मगन होए आपे गुण गाए, शब्द सुरत लिव लीन होए आप रीझ रजाए, तो कथता बकता आप है सुरता लिव लाए, मतलब दृष्टांत दिता है आपे ही विस्माद होए सरबंग सुमाए, आपे आप वरतदा गुरमुख पते आए, आपे आप वरतदा अगे भी आया पहली पढ़ च के आया लास्ट लाइन, आपे आप वरतदा सतसंग वसेख है, दूजी पढ़ च के आया आपे आप वरतदा गुरमुख पते आए, तीजे च की आया आपे आप वरतदा गुरमुख सुख होई, चौथे की आया आपे आप वरतदा गुरमुख सुख रौंदा। सारी खेड है वाहेगुरु की खेड है, जीव रबी आ जीव कुछ भी नहीं पाई, तो जिमें साज बजाउन वाला हाथ नाल साज वाजा लैके तो सियाणप नाल सब रागां नूं वजाउंदा है, ठीक है जी, इतने सुरीले ते शुद्ध रूप विच वजाउंदा है कि आप ही सुन सुन मगन मस्त हुंदा है, ते आप ही उसदे गुण गाउंदा है सलाउंदा है, तो
फिर वो आपे ही शब्द सुरत विच लिव जोड़ के जान लिव लीन हो के आप रीद तो होर ना रू रजाउंदा प्रसन्न करदा है। आप ही अकत्ता कथा करन वाला, आप ही बक्ता बोलन वाला, आप ही सुरता सुरत विच लिव लीन है तो समाधि लांदा है। तो आप ही आपे ही विस्माद होए तो आप ही आप अस्तर्ज रूपा में शक्लों में सारे शरीर के अंगा में समाया है। तो आपे आप वर्ताओ प्रभु आप ही आप सब पासे वर्त रहे है। पर गल ते भरोसा ते प्रतीति केवल गुरसिख प्रभु दे सतगुरु नाल अभेद हो जान वाले ही ये समझते हैं। आपे आप वर्तदा आपे भुखा होए कै आप जाए रसोई, रसोई हुण बाबा नानक गया। हाँ कहिंदे बाबा नानक गया, देख लो बाबा नानक गया। भोजन आप बनाएंदा रस विच रस गोई, आप ही भुखा सी रसोई विच आप गया, कहिंदे बाबा ही गया वाहिगुरू गया। आपे ही भुखा सी आपे रसोई वल चला जांदा है। फिर भोजन भी बनाउण वाला आप ही है, भोजन विच जो रस ते स्वाद है उस विच भी वो आप ही समाया होया। दसो रस विच रस गोई आपे खाए सलाए कह होए तृप्त समोई, आप ही खा के सलाउंदा है तृप्त हो के आनंद हो के उस आनंद विच भी वो आप ही है। देखिया आपे रसिया आप रस, रस रसना पोई आप ही रसिया रस लैन वाला है, आप ही रस ते रसना जीभां दे स्वाद विच रसना रस पोई। दाता भुगता आप है सरबंग समोई, वो दाता देन वाला भी आप है लैन वाला भी आप है, आप ही भोगण वाला है प्राप्त करने वाला भी आप है। तो शरीरां विच सब अंगां च सरबंग विच व्यापक हो रहा। तो आपे आप वरता गुरमुख सुख हो प्रभु आप ही सब पासे वरत रहा है। तो इस प्रतीति ते सुख गुरमुखां नूं ही प्राप्त होंदा है। सुख जिहड़ा उहदे नाम विच है ते नाम गुरसिखां कोल है। तो एक बड़ी लंबी खेड है, आम बंदे दे समझ विच नहीं कि अपनी होंद ही हन्नी पई। आ देखो हुण चौथी पौड़ी, आपे पलंग बिछाए के आप अंदर सौंदा। लो पलंग किने बिछाया? वाहिगुरु ने बिछाया तो वाहिगुरु ही सुता। देखिया तो सोने अंदर जाए कह दसंतर भौंदा, तो पर सुते सुते सुपने वाली हालत विच ओ दे दसंतर विच भौंदा जांदा है। तो रंग राओ राओ रंग होए दुख सुख विच पौंदा, अमीर तो गरीब ते अमीर तो गरीब है, गरीब तो अमीर है ते अमीर तो गरीब हो के दुखां सुखां विच चक्कर विच पै जांदा। रब आप रब आप तत्ता सीरा होए जल आवटन खांदा, तो जल पानी वांग कदे ठंडा ते कदे तत्ता गर्म हो के कड़न दा दुख सुख सारदा है। आप हरक सोग विच धामदा चवाए चौंदा, तो भाव कदे खुशी ते कदी गम सोग दी लहर विच दौड़ पैंदा। जद कोई पुछे ता पुछण ते कहिंदा कि सुपने विच बड़े ही दुख दुख देखे हन, पर जद जाग खुली ता कुछ भी नहीं। भाव दुनिया विच आ के बेखबरी दे आलम विच वाहिगुरु नूं भुल गया, माया मोह प्यार पाई हुण रूप सुपने विच पै के संसार विच बड़े दुख उठाने पे। पर जदों मौत भाव जीवन दा अंत होया फिर पता लगा कि अमोलक जीवन बिरथा ही चला गया। पछताउंदा आपे आप वरतदा गुरमुख सुख पाउंदा। तो भाई गुरमुख वाहिगुरु दे पूरन गुरसिख हन, वह प्रभु आप ही आप वरता है। तो यह सारा भेद समझा के सुख विच रखता है। पौड़ी प्रभु निरलेप है वरत भी रहा है, तो समसर वरसे स्वांत बूंद जो सबनी थाई, जल अंदर जल होए मिले धरती बो पाई, तो किरख बिरख रस कस घने फल फुल सुहाई, केले विच कपूर होए शीतल सुखदाई, मोती होवे सिप मोह बो मोल मलाई, तो बिशियर मूह कालकूट चितवे बरे आई। वो दस्या आपे आप वरतदा सतसंग सुभाई। भाई जिवें स्वाति बूंद अग गया सब पासे एक जी वरतदी है, सब पासे एक पासे है ना, कम वखरा वखरा। पानी नाल पानी वांग हो के जमीन विच घुल मिल जांदी स्वाति बूंद, किसी नूं पता ही नहीं लगता। तो किसे पासे खेती बिरश रस मिठे रस कौड़े फुल्लां फलां विच मिल के सोभ रही है स्वाति बूंद। तो स्वाति बूंद केले विच पवे ना तो कपूर बन के ठंडी ते सुख देने वाली वस्तु हो जांदी है। तो सिप विच पवे तो मोती बन के वड मुल्ला
ਪਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਲੀਲਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਸਭਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਸਭਸ ਵਿੱਚ ਪਰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਸੋਈ ਤਾਂਬਾ ਰੰਗ ਸੰਘ ਜਿਉਂ ਕਹਿਹਾਂ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਧਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹੀ ਤਾਂਬਾ ਜੇ ਕਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਹਿਹਾਂ ਧਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੋਈ ਤਾਂਬਾ ਰੰਗ ਸੰਘ ਜਿਉਂ ਕਹਿਹਾਂ ਹੋਈ ਸੋਈ ਤਾਂਬਾ ਜਿਸਤ ਮਿਲ ਪਿੱਤਲ ਅਵਲੋਈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤਾਂਬਾ ਜਿਸਤ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੋ ਸੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸੰਗਤੀ ਭੰਗਾਰ ਭਲੋਈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਤਾਂਬਾ ਜੇ ਸਿੱਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਭਰਤ ਦੀ ਧਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਂਬਾ ਪਾਰਸ ਪਰਸਿਓਂ ਹੋਏ ਕੰਚਨ ਸੋਈ ਉਹੀ ਤਾਂਬਾ ਜੇ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਛੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੋ ਸੋਈ ਤਾਂਬਾ ਭਸਮ ਹੋਏ ਔਖਦ ਕਰ ਪੋਈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਤਾਂਬਾ ਜੇ ਭਸਮ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਗੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਗੁਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜੀ ਜਲ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਲਾ ਦਿਸੇ ਰੰਗ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਰੱਤਾ ਰੰਗੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਮੇਲ ਸਲਿੱਸੇ ਸੋ ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੀਲੇ ਪੀਲਾ ਹੋਏ ਮਿਲੇ ਹਿੱਤ ਜਿਹੀ ਵਿਸੇ ਉਹ ਜੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪੀਲਾ ਭਾਵ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤੋ ਸਾਵੇ ਸਾਵਾ ਰੰਗ ਮਿਲ ਸਭ ਰੰਗ ਸਰਿੱਸੇ ਤੋ ਸਾਵੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਵੇ ਰੰਗ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤੋ ਤੱਤਾ ਠੰਡਾ ਹੋਏ ਕਿ ਹਿੱਤ ਜਿਸੇ ਤਿਸ ਭਾਵ ਜਿਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੱਤਾ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਤੋ ਤੱਤਾ ਠੰਡਾ ਹੋਏ ਕਿ ਹਿੱਤ ਜਿਸੇ ਤਿਸੇ ਤੋ ਉਹ ਠੰਡਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੱਤਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਸੋ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਠੰਡਾ ਤੱਤਾ ਪੀਲਾ ਹਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਭਾਈ ਤੱਤਾ ਠੰਡਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਫਿਰ ਤੱਤਾ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਏ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੋ ਭਾਈ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁੱਖ ਜਿਸ ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਸੋ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਠੰਡਾ ਤੱਤਾ ਪੀਲਾ ਹਰਾ ਸਭ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ ਤੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖੇਡ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੁੱਖ ਜਿਸ ਸੋ ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਬਸੰਤਰੋਂ ਚਾਨਣ ਹੈ ਨੀਰੇ ਤੋ ਦੀਵਾ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਲ ਬਸੰਤਰ ਅੱਗ ਦੀਵਾ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਲ ਕੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੋ ਦੀਪਕ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸ ਹੋਏ ਕੰਮ ਆਏ ਲਖੀਰੇ ਤੋ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਲਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਕੱਜਲ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੰਗ ਭਲੇ ਭਲੇਰੇ ਤੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਲਖ ਨੂੰ ਲਾਹ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਜਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਭਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਭਲੇ ਹੀ ਬਣੀਦਾ ਭਲੇ ਭਲੇਰੇ ਤੋ ਮਸਵਾਣੀ ਹਰ ਜਸ ਲਿਖੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਗਲੇਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਲਖ ਨੂੰ ਦਵਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਾਰੀ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਸਿਫਤਸਲਾਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਨੀਮ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਗਲੇਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਲਿਖਦਾ ਅਤੇ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਚੋਫੇਰੇ ਆਪੇ ਆਪ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦਾ ਆਪੇ ਆਪ ਦਾ ਬੋਲ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਖੇਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜੋ ਊਚ ਨੀਚ ਅਤੇ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪੀਲਾ ਹੋਇਆ ਗੁੱਸਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਪਾਸੇ ਆਪ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ
नौवीं पौड़ी बिरख होवे बीओ बीजीए करदा पसवारा। सो भाई जिमें एक बीज के बीजन नाल वड्डे पसवार वाला दरख्त पैदा, जिमें बोड़ का बीज दिसदा ही नहीं तो बोड़ 10 एकड़ चो जांदा है। तो जड़ अंदर पेड़ बाहरा बहु डाल विस्थारा, तो जड़ धरती दे विच ते पेड़ तना बाहर हुंदा है, ते फिर उस तने ते अनेकां टाणियां ते विस्थार वाधा हो जांदा है। सो पत्त फुल फल फली दा रस रंग सुवारा, पत्ते फुल फल ते फलियां ते इन्हां सभना विच रस ते रंग भरे आपस आप सुवारे दे जांदे हन। तो वास निवास उलास कर कोई वड परवारा, तो फुल ते फलां विच अगों भी कई तरह दे पत्ते दियां तू वड्डा कई तरह दियां वाशना पैदा हो जांदियां, उस विच प्रकाश वाधा कर दियां हन, ते दरखत दे टाण ते पत्ते आदक वड्डा परवार हो जांदा है। तो फल विच जियो संजियो होए फल फलो हजारा, तो फलां विच बीज पकदे ते फिर अगों उन्हां तो हजारा होर फल ते दरख्त आदक बन जांदे हन। आपे आप वरदा गुरमुख निस्तारा, इस तरह बीज रूप विच वी आपे ही है। तो सारे पासे एक ईश्वर ही आप ही निर्गुण रूप विच प्रकाश रूप विच सूक्ष्म रूप विच, तो ये गल समझ लैन वाले गुरमुखां दा निस्तारा हुंदा है। पौड़ी दसवीं कपाह ते सूत्र, होवे सूत कपाह दा कर ताणा वाणा, तो कपास तो सूत्र बनता है जो ताना पेटा करके बनता है। तो सूत्र कपड़ जानी है आखाण वखाणा, तो सूत्र तो ही फिर कपड़ा बनता है। फिर जो जिसते कई किस्म के नाम बन जाते, चौसी ते चौतार होए गंगा जल जाना, तो चौसी चार तारा वाले कपड़े नू अवतार कहते हैं। तो गंगा जल नामी कपड़ा जाणिया जाता है, गंगा जल कपड़े का ना है। खासा मलमल श्री साफ तन सुख मन भाणा, तो खासा ते परमल ते श्री साफ आदि कपड़े शरीर नू सुख देन वाले मन भौंदे बनते हैं, कपड़े का ना है। पग दुपट्टा चोलना पटका परवाना, तो भाई फिर पगा दुपट्टे चोले पटके आदि जो सब पासे प्रवान मन्ने जाते हैं वो इधर बनते हैं। आपे आप वरदा गुरमुख रंग माणा, मतलब सूत्र वांगू वाहगुरु सब विच वरत रहा है। तो इस तरह सूत्र तो वक वक किस्म के कपड़े का दृष्टान दे के दसते हैं। इस तरह ही एक प्रभु सूत्र की न्याई ताने पेटे की तरह सब पासे आप ही आप वरत रहा है। जो इस भेद नू गुरु द्वारा प्राप्त करके दृढ़ कर लेंदे हैं वह गुरमुखा ही एक अनेकता तो अलेप हो के एक रूप दे रस विच रंग मानते हैं। सुनियारा सोना घड़े गहने सवारे, तो सुनियारा सोने नू घड़ घड़ सुंदर गहने बनाउंदा है। तो पिप्पल वतरे वालियां तनौड़े तारे, तो पिप्पल वतरे वालियां तनौड़े कन्ना दे गहने सितारे आदक बनाउंदा है। तो वेसर नथ वखाणी है कंठमाला तारे, ते कंठियां माला ते गलदी माला इसे सोने तो ही घड़े जाते हैं। तो टीकत मनिया मत मोत सर गजरे पासारे, तो टिक्का मनिया वाला मोतियां दी माला ते गोखड़ू आदक दा पसार सुनहरा ही करदा है। ते दुर बोहट्ठा गोल छाप कर बहु प्रकारे, तो इसे तरह ही तो वीर बलियां बाहां वाले बुरटे गोल मुंदरियां ते छले कई किस्म दे करदा है। इस तरह आपे आप वरतदा गुरमुख विचारे प्रभु एक सोने वांग सब पासे अनेक रूपां विच आपे आप वरत रहे। गहने का ताग दाम बल दिता है, एक सोने तो किन्ने गहने बने आ, एक जोत तो किन्ने जीव बने आ। कोई विरला ही इस भेद नू समझदा है ते दृढ़ करदा है, पर गुरमुख गुरु दे उपदेश नू अपने जीवन दे हर काम विच दाखल कर लैन वाला ही इस प्रभु की खेड की विचार करता है ते समझता है। तो गन्ना गन्ना खोलू पीड़िए रस दे तरहाला, रस दे दरहाला कोई करे गुड़ भेलियाँ को शक्कर वाला, कोई खंड सुवारदा मक्खन मसाला। सो भाई गन्ना जदों कोलू विच पीड़िया जाता है तो तत्काल ही उस विचों रस निकल आता है। कोई रस नू काढ़ के गुड़ दियां ढेलियां बनाउंदा है, तो कोई बरीक शक्कर बना लैंदा है, कोई
महीन शक्कर तो अगे वध खंड बनाउंदा है ते कोई मखाने मसाले वाले मखाने बना लैंदा है। होवे मिश्री कली कंध मठियाई ढाला ते किते ओ गन्ने दा रस मिश्री ते कला कंध बनाउंदा है ते कोई खंड नू ढाल के मठियाइयां पेठा आदक बनाउंदा है मिठाई। तो खावे राजा रंक कर रस भोग सुखाला। राजे अमीर लोग मठियाइयां ते रंक गरीब गो श्रेणी गुड़ शक्कर आदक खा के इन्हां दे रसां नू सुख आनंद ते खुशी नाल खांदे हन। आपे आप वरतदा गुरमुख सुखाला। आप ही आप सब पासे वरत रहा है। इसे तरह गन्ने वांग वो भी देखो गन्ने वांग इस रूप प्रभु सब पासे वक्खो वक्ख रंगा में आप ही आप वरत रहा है। पर इस भेद नूं गुरु तो वरसाया गुरमुख ही जानता है तो फिर वो प्रभु दी इस अनेकता मई लीला विच सुख ते आनंद मानते हैं। गां दे दुध गाई रंग बिरंग वो दुध उज्जल वरना। तो गऊं अनेक रंगा दियां होंदियां पर उन्हां दा दुध तो चिट्टा ही वर्णन किया जाता है। दोह दूध तो दही जमाई है करने चल धरना तो दुध तो दही जमाई दा ते अडोल करके टिका देईदा है ता कि निचल हो के जम जाए। दही विलोए अलोई है छा मक्खन तरना तो दही तो रिड़क के जब देखीदा तो मक्खन निकल आउंदा है तो फिर नितार के लस्सी विचों कढ लईदा है। तो मक्खन ताए औटाए कह कि वह निर्मल करना तो फिर मक्खन नू गर्म करके काढ़ के उस विचों निर्मल शुद्ध रूप विच घ्यो निकल आउंदा है। तो होम जग नहीं वेद कर सब कारज सरना तो फिर इस निर्मल घ्यो तो ही होम जग पूजा ते भेटा देन दे काम आउंदे सारे काज सवरे जांदे हन। इसे तरह दुध वांग ही उस विशाल तो करण कारण प्रभु जी आप ही आप सब पासे वरत रहे हन। आपे आप वरतदा गुरमुख होए जरना ते गुरु गुरु तो ज्ञान प्राप्त निश्चय करन वाला ही ये सब प्रभु दा ही पसार है। इस भेद नू जानदे अते जरदे हन। तो पल घड़ियां मूरत पहर थित वार गनाए। तो पल घड़ियां मूरत पहरे समय दा नां है थित्तां ते वार दी गिनती कीती जांदी है। दोए पख बारह माह कर संजोग बनाए। तो दो पख उत्तरायण ते दखरायण अते बारह महीनिया दा संजोग करके बना दिते गए। छे रुत्ती वरताईयां बौचलत बनाए। तो छे रुत्तां वरता दित्तियां ते ओं कौतुक कर दिते। सूरज एक वरतदा लोक वेद अलाए। तो इकले सूरज दा ये पसारा वरता दिता बहुते लोकी ते वेदां ते ज्ञानियां दा एहो ही आखना है। चार वर्ण छे दर्शना बहु पंथ चलाए। तो छे दर्शन धर्म के चार वर्णा के अनेक पंथ रस्ते आप लोगों ने ही बन चला लै प्रभु की किरत नहीं है। सो आपे आप वरता गुरमुख समझाए ते असलीयत गुरमुख ही समझ सकते ते समझाते हैं कि एक सब एक सारे पासे एक आपे आप सब पासे प्रभु जी आप ही व्यापक हैं। पौड़ी 15 तो एक पानी एक धरत है बहु बिरख पाए। एक पानी एक धरत है बहु बिरख पाए। तो भाई एक ही धरती है एक ही पानी है जिस तो कई तरह के दरख्त पैदा हुए हैं। तो कई फलां तो सखने ते कई फलां वाले अनेक ही फल ते फुल सोभरे हैं। अफल सफल प्रकार बहु फल फुल सुहाए। बहु रस रंग सुवासना पर किरत सुभाए। तो अनेक तरह दियां ही रंग ते रस ते सोहणियां सुगंधियां ते सुंदर प्रकृति बड़े तरह दे भाई उसे सोभ रहे हैं सुभायमान हो रहे हैं। फिर बसंतर एक वर्ण होए सब तर वरछाए। फिर देखो पर प्रभु जी की कुदरत देखो इन्हां सबा सब तरह दे फैले हुए ब्रिशां विचों अग्नि एक रूप विच होकर निकलती प्रकाश हुंदी। अग्नि एक बसंतर एक वर्ण होए। सो गुप्तों प्रगट होए कै पसमंत कराए। ते फिर इन इस तरह ही तो फैले हुए ब्रिशां चो अग्नि एक रूप होकर निकलती है प्रकाश हुंदी ते ब्रिशां विचों गुप्त रूप
प्रगट हो के उन्हां सब ब्रिशा दियां लकड़ां दे ढेर नूं साड़ के सुबाह कर दिंदी है। भाव अग्नि ब्रिशा विच गुप सी, दिसदी नहीं सी, पर अन दिसदे रूप भाव लकड़ां विचों ही निकल के गुप्त हो के प्रगट हो के सब नूं छिन्न मात्र विच भसम रूप कर दिंदी। यही फिर आपे आप वरता गुरमुख समझाए। फिर यही प्रकाश रूप प्रभु की गल है। प्रभु आप सब पासे वरतदा है, सब अलोप है, खत्म कर दिंदा है दुनिया, तो मुड़ के फिर पैदा कर दिंदा है। पर एक कौतक गुरमुख ही जानते हैं तो उस सुख पा रहे हैं। चंदन वास बनस्पत सब चंदन होवे, जंगल विच चंदन दे रुख दी वासना नाल बाकी दे रुख नेड़े तेड़े दे हुंदे हन, सब बनस्पति चंदन दी सुगंधी वाली हो जांदी है। अष्टधात एक धात होए संग पारस टोए, अठां धातां विचों कोई धात होवे वो पारस नाल छो के सोना हो जांदी है। नदियां नाले वाहड़े मिल गंग गंगोवे, नदियां नालियां दा पानी गंगा च मिल के गंगा दे पानी वर्गा पवित्र हो जांदा है। तो पत तो उदाहरण साध संग पापा मल धोवे तो उसनू कोई फिर वखरे रूप च वेख नहीं सकता। इसे तरह एक साध संगत ऐसी थां है जो पापियां दा उद्धार कर देंदी है ते पापां दी मैल धो देंदी है। तो नरक निवार असंख होए लख पतत संगोवे, साध संगत करन नाल असंखां पापियां दे नरक टल जांदे हन। ते फिर आपे आप वरतदा गुरमुख होए, वो प्रभु आपे ही आप सब विच वरत रहा है जिसनू गुरमुख ही देखदे हन। भाई दीपक हेत पतंग दा जल मीन तिरंगा, दीपक कहिंदा दीवे नाल पतंगे दा प्यार है ते मच्छी जल नाल प्रेम करदी है। तो मिर्ग नाद विस्माद है पवर कवर वसंदा, तो हिरन दा नाद दी आवाज नाल मस्त है ते भौरा कौल फुल दा प्रेमी है। चंद चकोर प्रीत है देख ध्यान तरंदा, चंद नाल चकोर दी प्रीति है ते चंद्रमा नू वेख के ओ उधर ही ध्यान तरदा है। चकवी सूरज हेत है संजोग बनंदा, चकवी नू सूरज नाल प्यार है ते क्योंकि कुदरत वल्लों ऐसा ही संजोग बन गया है। तो नार पतार प्यार है मां पुत मिलंदा, स्त्री ते पति विच प्यार है ते मां पुत्र नू प्यार नाल मिलदी है। आपे आप वरतदा गुरमुख परचंदा, पर इन्हां सभना विचो प्रभु आप ही वरत रहा है ते गुरमुख इस खेड़ नू समझदा है, परचदा है, पतीत जांदा है। वाहिगुरु वाहिगुरु। अखी अंदर वेखदा सब चूज वडाणा, तो हर मनुख अखा नाल सारे वड्डे वड्डे कौतक वेखदा है। कन्नी सुनदा सुरत कर आखान वखाणा।